कोरोना की वजह से शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कई क्षेत्र के नागरिक परेशान हैं। इसमें शहर के कलाकारों का भी समावेश है। यदि प्रशासन कलाकारों को कुछ मदद करना चाहती है तो ऐसे समय प्रशासन के पास तमाम शहर के कलाकारों की फहरिस्त होना चाहिए। इसलिए प्रशासन ने सभी कलाकारों के डेटा रखना चाहिए। ऐसी मांग साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चारू दत्त जिसकार इन्होंने की है। कोरोना से लगभग सभी क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। सबके कामकाज काफी प्रभावित हो चुके हैं। यदि शहर के कलाकारों की बात करें तो शहर के कलाकार भी बेरोजगार होने से तिल तिल मर रहे हैं। कलाकारों ने काफी ज्ञापन जिला प्रशासन मनपा प्रशासन को दिए हैं। हो सकता है कि यदि प्रशासन कलाकारों को कुछ मदद करना चाहती हो तो वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शहर के तमाम कलाकारों का डेटा प्रशासन के पास नहीं है। इसलिए प्रशासन ने सबसे पहले शहर के तमाम कलाकारों का डेटा बनाकर उसे संभल कर रखना चाहिए, जिससे कलाकारों को मदद करने में सुविधा होगी। ऐसी जानकारी मधुरिका साउंड सर्विस स्टूडियो के संचालक चारू दत्त जिसकार इन्होंने बीसीएन टीम को दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम मधुरिका स्टूडियो में है। हम आपको बताते कि ये उस शहर का वही जाना माना स्टूडियो है जहाँ पे तमाम कलाकार गाने तो जरूर गाते हैं, मगर उनके गानों में चार चांद लगाने का जो काम होता है इसी स्टूडियो में होता है। इस समय हमारे साथ में चारू दत्त जी जिचकार सर है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। जिचकार साहब, ये बताइए कि जब कलाकार जब आता है और जब वो अपने वॉइस में गाता है, उसके बाद में उसके आवाज़ में एक जो निखार आती है, उसका जो आवाज़ का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साफ सुथरा वॉइस और एक बैंडविड्थ रहता है किसी भी सिंगर के आवाज़ में, तो उसका इक्यूइंग बोलते हैं, उसको इक्यू करके, उसको इफेक्ट लगा के क्लीन साउंड करने के लिए अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए हम लोग करते हैं, तो और ज़्यादा गाना अच्छा सुनाई देता है। क्योंकि गानों में जब चार चांद लगता है तो आप लोग यहाँ से जो एडिट करते हो गाना, इसके अंदर में जो वेरिएशन जो है वो सब डलवाते हो, और ख़ास तौर पे गायक कोई भी हो मगर उसके आवाज़ में जो एक निखार जो आता है तो आप ही के मशीन के माध्यम से वो की जाती है, और आप उसके बेस्ट कंट्रोलर हो, और अब तक के कई वर्ष आपने गुजार दिए इसमें, कई कलाकारों को आपने अच्छी आवाज़ दे के उनका एक शहर में नाम भी हुआ है। लेकिन सर, आए दिन जिस प्रकार से कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगा है, शहर के कलाकारों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है, और अब तक के हज़ारों कलाकार आपके स्टूडियो से बन के निकल चुके, क्या कहना चाहोगे? अभी तो बहुत बेकार कंडीशन है। करीब पिछले मार्च महीने से अब तक करीब अभी एक साल होते आ रहा है, तो अभी कलाकारों के पास जो जमा पूंजी थी वो तो सब खत्म हो गई। अभी सब कलाकारों को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट हमारी कोई सुध नहीं ले रही, अभी आंदोलन वगैरह चालू हो गए सब, तो ये सब करके गवर्नमेंट के पास भी ऐसे कुछ ये नहीं है कि कलाकारों को किस तरह से कैसे मदद किया जाए, कलाकार कितने हैं, उनका डाटा, ऐसा डाटा बस कुछ गवर्नमेंट के पास नहीं है कि अभी नागपुर रीजन में, नागपुर शहर की बात लेंगे, नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बात लेंगे, विदर्भ की बात लेंगे, महाराष्ट्र की बात लेंगे, कितने कलाकार हैं बजाने वाले, गाने वाले, टेक्नीशियंस हैं उनके साथ फिर साउंड वाले, LED वॉल वाले, तो ऐसा कलाकारों का एक गवर्नमेंट ने डाटाबेस तैयार करना चाहिए, एक ऐसा कुछ तो भी फॉर्म बोलो या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जिसमें पूरे कलाकारों की जानकारी, वैसे तो हर कलाकार की आधार कार्ड के इससे तो जानकारी वैसे डाटा गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसमें अगर एक चीज़ और ऐड हो सके कि ये कलाकार है, ये महीने का 5,000 कमाता, 10,000 कमाता, 20,000 कमाता, ऐसा अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया तो गवर्नमेंट के पास एक बटन दबाने के बाद पूरा ऐसा डाटा अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी आपत्ति अभी ये कोरोना का कुछ बता नहीं सकते, और साल भर भी चल सकता है, ये जाने के बाद कभी दूसरा वायरस भी आ सकता है, तो ये चीज़ अभी हरदम के लिए होने के कारण अभी गवर्नमेंट के को एक बटन दबा के पता चलेगा कि इतने ज़रूरतमंद लोग हैं, इतने बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, इनको पहले मदद की ज़रूरत है, तो ये काम सबसे पहले गवर्नमेंट ने करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि यह मैच गवर्नमेंट का ही काम है क्या? क्योंकि आप जैसे जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के जो अलग अलग संगठन जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, क्या उन्होंने एक मंच पे आके इस प्रकार की नींव नहीं रख सकते क्या? नहीं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पहली बात, यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं है, ग्रुप्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, उनके ऑर्गेनाइजर है जो पैसा देता है, जो ज़्यादा पैसा देता है उसके पास कलाकार रहते हैं,
फिर बिजनेस कंपटीशन में होता है, फिर ये ऑर्गेनाइजर का वो ऑर्गेनाइजर से जमेगा, वो ऑर्गेनाइजर का वो ऑर्गेनाइजर से जमेगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये एक अनायासी आपत्ति के टाइम आ जाते सब कलाकार, लेकिन अभी कल चल के शो चालू हो गया है, उसके बाद ये एक में कोई दूसरी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये प्रॉब्लम है। और एक उसके लिए एक डाटाबेस रेडी रहा तो गवर्नमेंट को पता है ना, इतने स्कीम्स है, इतने डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कलाकारों के लिए कुछ है, साउथ सेंट्रल जोन इतना पैसा खर्चा करती गवर्नमेंट, तो ये सब पैसे यूटिलाइज प्रॉपर हो सकता है जिनको ज़रूरत है ऐसे आपत्ति में। बाकी तो फिर कलाकार कोई किसी से भीख नहीं मांगता, उसके प्रोग्राम चालू हो गए, काम चालू हो गया, वो अपना काम करता ही है, वो कमाने लगा तो फिर पूछता भी नहीं किसी को, फिर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे आपत्ति के टाइम पे अभी ये बार बार होने वाला है, और बार बार अगर ऐसे लोग सड़क पे उतरेंगे तो गवर्नमेंट को भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप थे चारुदत्त जिचकार जिन्होंने बखुबेर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि इन तमाम कलाकारों का जो डाटा है वो प्रशासकीय ऑफिस में यानी प्रशासन के पास होना बेहद ज़रूरी है। यानी जब भी कलाकारों को यदि कुछ सहयोग करना चाहते हैं, अगर एक बटन क्लिक की तो तमाम कलाकारों के पूरे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर सभी उसमें मेंशन हो गए, ताकि प्रशासन को भी कोई भी सहयोग करने के लिए सुविधा होंगी। दूसरी बात भी इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि कलाकार आपस में भी टकराते रहते, ये अच्छी बात नहीं है, कलाकारों ने कभी टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता मगर कलाकार तो एक होता है, और यही समय की मांग है कि सब मिलजुल के काम करना चाहिए। और जो कलाकार आज भूखमरी की नौबत उन पे आ पड़ी है, प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए, यही समय की मांग है। चारुदत्त जिचकार इनके इस मधुरिमा स्टूडियो से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।